देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। मैं हूं सोनू सूद और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूं दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूं बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। इंदौर में रविवार को श्री दामोदर सेवा मंडल द्वारा सामूहिक विवाह सम्मेलन आज दिनांक 23 अप्रैल 2023 रविवार वैशाख सुदी अक्षय तृतीया संवत 2000 को श्री राम मंदिर प्रांगण पंचकुया इंदौर पर आयोजित किया गया, जिसमें चार जोड़े विवाह बंधन में बंधे। कार्यक्रम में पंचकुया मंदिर के पीठाधीश्वर श्री श्री राम गोपाल दास महाराज व डॉक्टर लोकेश जोशी, समाजसेवी एवं संध्या यादव व सीमा कृष्ण वल्लभ डाबी और राजेश चौहान पूर्व पार्षद व राधेश्याम सोलंकी कार्यक्रम अध्यक्ष के रूप में मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान अतिथियों ने सामूहिक विवाह आयोजनों को समाज की सोच में बदलाव के लिए काफी अहम बताया। उन्होंने कहा, सामूहिक विवाह सिर्फ एक विवाह का आयोजन भर नहीं है, अपितु इसके प्रभाव और समाज हित में लाभ बड़े दूरगामी है। किसी कमजोर जरूरतमंद या असहाय परिवार की कन्या का विवाह कराने से बढ़कर कोई पुण्य नहीं है। श्री दामोदर वंशीय क्षत्रिय चुना गुजराती दर्जी समाज की अग्रणी एवं लोकप्रिय संस्था श्री दामोदर सेवा मंडल जैसी संस्थाएं सामूहिक विवाह जैसे सामाजिक पुण्य कार्य में अपनी सराहनीय भूमिका निभा रही है। उन्होंने कहा कि सामूहिक विवाह का बढ़ता प्रचलन समाज के भले के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इससे समय की बर्बादी, दान दहेज और फिजूल खर्ची जैसी कुरीतियों से भी समाज को मुक्ति मिल सकती है। साथ ही पढ़े लिखे नौजवानों से अपील करते हुए कहा कि दहेज प्रथा के खिलाफ अभियान में योगदान दे। हमें इस पहल का अनुसरण करने की जरूरत है, तभी बेटियों को बराबरी का अधिकार मिल पाएगा। विवाह समारोह में आए समस्त स्वजातीय बंधुओं सहित समस्त अतिथियों का आभार संस्था के अध्यक्ष दिनेश पवार और सचिन अशोक नायक ने किया। इस मौके पर डॉक्टर RR सोलंकी, सुरेश चावड़ा, ओम प्रकाश गहलोत, महेश चावड़ा सहित बड़ी संख्या में स्वजातीय बंधु मौजूद थे। सामूहिक विवाह हो रहा है और वो भी शासन की अनुमति के अनुसार ही हो रहा है। जोड़े सारे इंदौर के हैं, सभी हमारी ओर से तो दहेज प्रथा का जो हमारा जो 43 वर्ष पहले जो दामोदर सेवा मंडल बना था उसमें दहेज प्रथा का बिल्कुल विरोध के रूप में बना था ये, और उसी से सामूहिक विवाह हमने चालू करा था। और प्रदेश में दूसरा सामूहिक विवाह उस समय हुआ था 43 वर्ष पहले, तो हमने दहेज विरोध के रूप में ये सामूहिक विवाह सम्मेलन का प्रारंभ किया था। और हम इस समय भी कोई दहेज नहीं दे रहे हैं, ये तो जो हमारे को जो समाज की ओर से जो आया है उनकी तरफ से कन्या दान हम दे रहे हैं। ये सामूहिक विवाह हो रहा है, ये सभी जो है हमारे सदस्यों के सहयोग से संपन्न हो रहा है, और इसमें जो है ये दहेज विहीन जो है विवाह सामूहिक विवाह किया जा रहा है। आज चार जोड़ों का विवाह हुआ है और चारों जो है इंदौर निवासी ही है। नहीं, शासकीय सुविधा अभी कुछ नहीं मिल पाई है।